हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद अ चटपटा गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। हाल ही में दादा साहेब फेस्टिवल अवार्ड 2024 हुआ, जहां पे हमें एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी दिखाई दिए। हाल ही में उड़ते फुरते सूत्रों के हिसाब से मुझे एक खबर आ रही है कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ जुड़ने वाले हैं शाहरुख खान। जी हाँ, आपने सही सुना, सलमान खान के बाद अब जुड़ने वाले हैं शाहरुख खान। एज वी ऑल नो, साल 2023 में संदीप रेड्डी वांगा की जो मूवी आई एनिमल, ब्लॉकबस्टर में काफी हद तक तबाही मचा दिया। सच में सब तो मूवी देख के एनिमल बन गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा को इस फेस्टिवल में 2024 का अवार्ड फंक्शन में उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बात करें शाहरुख खान को, तो साल 2023 उनके भी करियर के लिए काफी हद तक अच्छा था, जहाँ पे उनको तीन मूवी ने ब्लॉकबस्टर हिट किया, जैसे कि जवान, पठान और साथ ही साथ डंकी। जी हाँ, साल के अंत में भी उन्होंने भाई कोई भी तरीका का मौका नहीं छोड़ा और इसी की वजह से उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ नयनतारा को भी फॉर द मूवी ऑफ जवान के लिए सम्मानित किया गया अवार्ड देख के। अभी बोला जा रहा है कि हमें शाहरुख खान देख सकते हैं संदीप रेड्डी वांगा के नेक्स्ट मूवी में, जहाँ पे वो एज अ विलन का किरदार दिखाई दे सकते हैं, मतलब एज अ विलन का किरदार वो निभा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बोलना चाहूंगी कि शाहरुख खान और अभी संदीप रेड्डी वांगा का अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी तो आप तो जानते हैं ना, जहाँ पे इनडायरेक्टली शाहरुख खान ने एनिमल को टारगेट किया और फिर संदीप रेड्डी वांगा ने भी इनडायरेक्टली काफी हद तक अच्छा जवाब दिया था शाहरुख खान को फॉर द एनिमल। क्योंकि हाँ, एनिमल मूवी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार तो हुई क्योंकि उसका जो एक्टिंग है या उस मूवी में जितना सीन दिखाया गया उसकी वजह से। बट हाँ, ऐसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बात किया जाए अगर एनिमल का, तो अगर कबीर सिंह भी इसमें कुछ पीछे नहीं थी, आपको नहीं लगता? बट गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर शाहरुख खान नेक्स्ट मूवी यानी कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ आए, तो भाई साहब इन लोग का क्या मतलब केमिस्ट्री और डियो जमेगा, आपको क्या लगता है? और वो मूवी कैसी होगी? क्योंकि शाहरुख खान को एक ऐसा मतलब होता है ना, लाइक राउजी रोल में कभी देखा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि संदीप रेड्डी वांगा का मूवी में राउडी रोल तो होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट गाइज? तो आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान के ऊपर वैसा रोल कैसा सूट करेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।